हेलो फ्रेंड्स, सबसे पहले आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारे ब्रेव सेलर सीरीज़ को इतना प्यार और आशीर्वाद दे रहे हैं। जिस हिसाब से हमारा व्यूज़ भी बढ़ रहा है, सो उस हिसाब से लग रहा है कि आपने इसको काफ़ी लाइक किया है। बट एक और चीज़ है कि अगर आपके पास कोई डाउट्स है तो उसे लाइक्स और देने के अलावा कमेंट्स में ज़रूर मेंशन करें, ताकि हम आने वाले वीडियोज़ में उसको आपके लिए क्लियर कर सकें। सो दोस्तों, आज हम ब्रेव सेलर सीरीज़ का एक और वीडियो आपके पास लेके आए हैं, और हम ये भी कोशिश करते हैं कि जितना से जितना जानकारी हम आपको दे सकें ऑनलाइन बिजनेस रिलेटेड, उतना हम अपने वीडियो में देना चाहते हैं। फिर भी अगर हम कुछ चीज़ मिस कर रहे हैं तो प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन करें। सो मैं रवि रंजन, आपका बिग फैक्शन वीडियो चैनल पर फिर से स्वागत करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। हेलो व्यूअर्स, मैं रवि रंजन, आपका बिग फैक्शन का ब्रेव सेलर सीरीज में फिर से स्वागत करता हूं। आज हम सूरज सर के साथ हैं, जो कि एक बुक्स के सेलर हैं, और रम्या शॉप है इनका स्टोर नेम। और आइए इनसे बात करते हैं कि बुक्स के कैटेगरी में सेलर कैसे बने, क्यों बने, और इनको क्या ऑनलाइन बिजनेस में प्रॉब्लम आई और कैसे सॉल्व किए, और कितना आसान है ऑनलाइन बिजनेस करना, आइए इनसे एक बार समझते हैं। तो सर, थैंक यू, आपने समय दिया और बिग फैक्शन जुड़े, सो थैंक यू उसके लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। वेलकम सर। सर हाँ सर, कुछ बोल रहे थे, बताइए ना। सर, बुक कैटेगरी में तो आने के लिए सबसे पहले प्रॉब्लम ये होता है कि सर, सबसे पहले बात आ रहा था कि बुक आखिर मिलेगा कैसे आपको। बिल्कुल बिल्कुल, तो अगर बुक मिल भी जाए तो उसका इनवॉइस मिलता नहीं, ओरिजिनल नहीं, इनवॉइस लगा नहीं आता, रजिस्ट्रेशन मिल जाएगा, पब्लिशर से मिल रहा है, फर्स्ट कॉपी मिल रहा है, ये सारी चीजें थोड़ा मार्केट में बहुत कॉपीज का पड़े हुए हैं, जिस करके सर बहुत प्रॉब्लम आते हैं अकाउंट शुरू में। मेरा भी सर इसी रीजन से अमेज़न ने अपनी पॉलिसी सर और स्ट्रिक्ट हो गई, और इसी वजह से सर आपको भी सस्पेंशन का एक प्रॉब्लम फेस करना पड़ा। तो ये और कोई रीजन नहीं, ये कुछ जो सेलर्स होते हैं या हर चीज में जो कुछ लोग होते हैं जो बदनाम करते हैं, ये भी उनसी का हिस्सा है कि बस कुछ के कुछ गलत कारणों की वजह से बदनाम हुए और बाकी सब सेलर्स उसको भुगत रहे। तो बट इसमें सर सबसे पहला सवाल मेरा आपसे यही है कि आपने ऑनलाइन बिजनेस कब स्टार्ट किया, और स्टार्ट किया तो किया बट डिसीजन पे कैसे है कि चलो ऑनलाइन बिजनेस करते हैं। सर एक्चुअली मैं 2021 में ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट किया था। एक्चुअली मैं पहले पढ़ाई करता था, स्टडी करता था पंजाब में। अच्छा, वहां से मैंने पढ़ाई छोड़ के आया पैसे की वजह से। उसके बाद मैंने कोई और काम कर रहा था, उसके बाद धीरे धीरे मेरे एक रिलेटिव है वो इस काम में पहले से थे, उन्होंने मुझे अपना काम दिया करने के लिए कि ये काम सूरज कर दो, घर पे बैठे रहते जो फ्री टाइम है उसमें उन्होंने सिखाया, उनका काम मैं पहले करता गया, फिर आगे चल के मैं खुद का काम भी शुरू कर दिया, फिर आज मैं अपना अच्छा खासा एक ऑर्डर लेके दाऊ डेली का। सो मोटिवेशन, मतलब कि ये काम करने का सर सबसे जज्बा कहाँ से आया कि ऑनलाइन, क्योंकि काफी लोग डरते भी हैं ऑनलाइन आने के लिए, लगता है उनको कि नहीं लॉस हो सकता, तो ये कहां से आपको आया कि नहीं करते हैं यार, ज्यादा क्या सर लॉस तो होता है, क्योंकि सर मैंने भी पहले स्टार्टिंग किया था तो 25,000 रुपए लगाया, उसमें से मात्र 2,500 रुपए भी नहीं निकला, 2,500 से भी कम निकला। तो वो रीजन भी है क्योंकि कस्टमर एक्विजिशन पे जो पैसा लगता है वो हम लोग नहीं कैलकुलेट करते हैं, अमेज़न का कमीशन, कभी कभी ये भी होता है कि जो सेलिंग प्राइस पे हम माल या फिर प्रोडक्ट सेल करते हैं वो उससे जो भी अमेज़न का कमीशन कटेगा, शिपिंग कटेगा, फिक्स प्राइस है वो सब जो कटेगी, उसके बाद शायद हमें जो पैसा आएगा उस पैसे से हम वो बुक नहीं खरीदते, हमको वहीं लॉस दिख रहा, तो कभी कभी इस कैलकुलेशन मिस्टेक्स में भी लॉस हो जाती है। तो आपने बिल्कुल सही कहा, इसी पे आगे पे अगला बढ़ना चाहूंगा कि बुक्स ने आपने स्टार्ट किया, बुक्स के लिए सभी को पता है कि यहाँ पे GST नहीं जरूरत है, पैन कार्ड से आप एक बुक सेलर अमेज़न पे बन सकते हैं। तो आपने किस किस प्लेटफॉर्म पे अपना ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट किया है? सर मैं अमेजोन, फ्लिपकार्ट, मीशो तीनों पे अभी अवेलेबल हूँ सर। okay. पहले मैं तो मैं सिर्फ अमेजोन पे करता था, धीरे धीरे मैं फ्लिपकार्ट पे किया, फिर आगे चल के मीशो पे किया, मैं तीनों पे करता हूँ बट ज्यादातर मैं अमेजोन पे ही करता हूँ। अमेजोन क्योंकि सबसे अच्छा आपको वो देता है, एरिया देता है काम करने के लिए, अमेजोन काफी अच्छा अच्छा चीजें से आप अपने को बढ़ा सकते हैं, ये सब चीज देता है। जैसे कि आपने बोला आपने अमेजोन पे स्टार्ट किया, फिर फ्लिपकार्ट पे स्टार्ट किया, फिर मीशो पे स्टार्ट किया, तो रीजन क्या था कि आपने तीनों प्लेटफॉर्म पे किया, कि क्या तीनों प्लेटफॉर्म को आपको नॉलेज जैसे मिलता गया वैसे रजिस्टर होते गए, कि आपको नॉलेज पहले ही सही था बट सोचे कि एक प्लेटफॉर्म से शुरू करते हैं उसको थोड़ा सा स्टेबल करते हैं और फिर आगे दो प्लेटफॉर्म पे जाते हैं, क्या कैसे स्टार्ट किया? सबसे पहले तो मैंने अमेज़न का नॉलेज मेरे रिलेटिव से मिल गया, उसके बाद सर मैंने खुद से फ्लिपकार्ट पे सीखा, मैंने सीखने के लिए स्टार्ट किया, उसको भी अभी फिलहाल मैं उतना चलाता नहीं क्योंकि मैं सीखने के लिए किया था, मैं सीख लिया उसके बारे में, फिर मीशो पे सीखने के लिए किया, मीशो भी चला ही रहा हूँ,
जी सर बट लेकिन सबसे ज्यादा चलाता हूँ तो मैं अमेजोन, जो कि डेली का मेरा 200 250 400 तक ऑर्डर पहुंच जाता है, 400 500 तक भी कभी कभी पहुंच जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। इसपे बुक्स के कैटेगरी पे सर थोड़ा सा आप पे डिटेल में आना चाहूंगा कि कैटेगरी बहुत सारी है। अब बुक्स के कैटेगरी तो अमेजोन ने अपना बिजनेस ही बुक्स से स्टार्ट किया था, फ्लिपकार्ट भी कि बुक्स वो सेल करते थे पहले, फिर पूरे कैटेगरी में गए। आप बुक्स पे कैसे आ गए और क्या आपको लगा कि नहीं बुक्स एक ऐसा जगह है जहां पे अच्छे से बिजनेस कर सकते हैं, बुक्स पे थॉट कैसे आया? सर बुक्स में मैं इसलिए आया क्योंकि सर बुक में जीएसटी लगता नहीं है सर। मेरा उम्र उस टाइम इतना नहीं था कि मैं अपने खुद के नाम पे जीएसटी भी ले सकूं। मैं जहाँ पे जी रहता हूँ उस एड्रेस भी कोई नहीं था जिससे मैं ले लूँ, जी इसलिए मैंने सर पैन कार्ड से स्टार्ट किया, वो भी किसी और के पैन कार्ड से। मेरे पास पैन कार्ड भी नहीं था, किसी और के अच्छा पैन कार्ड से अकाउंट बनाया और अपना सेलिंग स्टार्ट किया। बिल्कुल। तो आज के टाइम पे आप, मैं कह सकते हैं कि आप एक कॉन्फिडेंट सेलर हैं। आज के टाइम पे आप इतना कुछ जान चुके हैं कि आप कॉन्फिडेंट है कि ऑनलाइन कैसे काम हो सकता है। बिल्कुल सर। अच्छा, अगला सवाल है कि जैसे बुक्स की कैटेगरी तो आपने सेलेक्ट कर लिया, अब बुक्स तो हमें भी पता है लाखों में बुक्स बिकती है, मतलब कि हर तरीके का बुक्स है। अगर हम चाहें तो एमबीए के बुक्स हैं, जीआरई का बुक्स है, सीबीएसई के बुक्स होंगे, आईसीएसई के बुक्स होंगे, कहानियां होंगी, तो फिर भगवान के बुक्स होंगे जहाँ पे हनुमान चालीसा, शिव, ये सारी चीजें होंगी। तो आप कैसे इन्वेंट्री सेट करते हैं कि ये सब प्रोडक्ट्स बेचते हैं, इन्वेंट्री कैसे सर आप ऐड करते हैं? सर सबसे पहले तो अभी तो खैर मैं फिलहाल इन्वेंट्री ऐड स्टॉक लेकर नहीं रखता। पहले मैं स्टॉक लेकर रखता था, वो भी मैं ज़्यादातर पहले नोवेल सेल करता था, क्योंकि अभी मैं ज़्यादातर मेडिकल बुक ट्रेडिंग वगैरह का ज़्यादातर ध्यान देता हूँ, क्योंकि उसमें होता क्या है, आप ऑर्डर ले लीजिए, 2 दिन 3 दिन का टाइम लगे, फिर पास में मेरे जो भी पब्लिशर पास में बैठे हैं मैं वहाँ से डायरेक्ट लेता हूँ, फिर शिप कर देता हूँ। अच्छा, तो आप पहले ये ट्राई करते हैं कि जो पब्लिशर्स हैं जिनका बुक डिमांड में है उनको ऐड करते हैं, ऑर्डर्स जैसे ही स्टार्ट होता है फिर आप उनको कोशिश करते हैं कि मार्केट से करके और उनको सेंड करने की कोशिश करें। तो अगर ऐसा होता है ऐसा, तो मार्जिन पे क्या कोई फर्क आता है कि हाँ इस ऐसा सिचुएशन में थोड़ा मार्जिन कम रहता है बिकॉज हमको बेस्ट प्राइस नहीं मिल पाता है? सर एक्चुअली जो इससे हम रेगुलर लेते हैं ना वो वेस्ट प्राइस हमको दे देता है, क्योंकि अगर मान लीजिए हम एक दिन लेंगे तो कम डिस्काउंट देंगे, अगर ज़्यादा हमेशा उसी से ले रहे हैं तो ज़्यादा डिस्काउंट दे देते हैं, इससे मार्जिन मिल जाता है। अच्छा, तो अभी तक आप बता सकते हैं सर कि अप्रोक्स, एग्जैक्ट नहीं, कि कितने बुक्स बेच चुके होंगे सर? सर अभी तक बुक बताऊँ तो मैं 10,000 के करीब मैं सेल कर चुका हूँ, जो कि मैं पहले ज़्यादा दिन से नहीं कर रहा था, अभी 6 मंथ से मैं बता रहा हूँ, 6 मंथ के अंदर में। सोचिए आप 6 महीने में सर 10,000 बुक सेल कर चुके हैं, तो व्यूअर्स आप समझ सकते हैं कि क्या स्कोप ऑफ वर्क है। इन्होंने अपना बिजनेस तब स्टार्ट किया जब ये सोचे कि शायद बिजनेस के एज के हिसाब से बिजनेस करने के लायक नहीं, तब भी इनको बिजनेस आइडिया मिला और 6 महीने में कहना अगर ये 10,000 बुक्स बेच रहे हैं तो छोटा मोटा नंबर्स नहीं है। क्योंकि अगर आप बहुत सारे बुक सेलर्स के पास जाएं तो बहुत सारे बुक सेलर 10,000 नंबर्स नहीं बेच पाते हैं। तो बिल्कुल ये भी एक बहुत अच्छा चीज है कि देखिए आप ऑनलाइन से रहने से आप 10,000 बुक्स को बेच पा रहे हैं, अलग अलग कोर्ट्स, कंट्री कोर्ट्स पे जा पा रहे हैं, इससे कितना बड़ा फायदा हो रहा है। तो ऑनलाइन से आप देखिए, आप अगर आपको बिजनेस आइडिया लग गया 18 साल पे, तो आप उसमें इन्वेस्ट करके अच्छे से आप मेहनत करेंगे तो आपको अच्छा रिजल्ट्स भी आएगा। और जैसे सर ने पहले बताया कि बुक्स की क्वालिटी पे ये ध्यान देते हैं कि बुक्स फर्स्ट कॉपी नहीं बेच रहे हैं, प्रॉपर एग्जैक्ट ऑथेंटिक बुक्स बेचते हैं, कोई भी फर्स्ट कॉपी का काम नहीं रहता है, ताकि बायर्स को बुक्स पहुंचे तो सेटिस्फाइड रहे, वो कंप्लेन्स नहीं करें और बार बार इन्हीं से खरीदें। तो बिल्कुल अगला सवाल इस पे है कि बुक्स हैवी होता है सर, सबका ये बहुत ही कॉमन स्टेटमेंट है सर कि बुक्स भारी होते हैं। मान लीजिए कि एक छोटा सा बुक है बट उसका वेट पेजेस ज्यादा है तो वेट ज्यादा हो जाता है, तो वहां पे वेट चार्जेस पे लोग थोड़ा सा बोलते हैं कि यार बुक्स तो 2 केजी 2.5 केजी का दिख रहा है बट उतना लेंथ ब्रेथ हाइट कैलकुलेट करेंगे तो उतना निकल नहीं रहा है, वो चार्जेस पे आप कैसे मैनेज करते बिजनेस कर रहे हैं? सर। चार्जेस तो सर जो लेना है अमेजोन वो लग ही जाता है सर, जितने वेट हुए वेट के अनुसार लग जाते हैं, पर सर हम जी लोग पैकेजिंग पे पूरा ध्यान देते हैं, जैसे पैकेजिंग जो भी हो उसका ऐसा पैकेजिंग हो जो डैमेज ना हो। चार्ज थोड़ा ज़्यादा भी लग जाए कोई बात नहीं, पर पैकेजिंग पे अच्छे से ध्यान देना है, थोड़ा ज़्यादा भी हो हाँ, जाए कोई बिकॉज इशू नहीं। आज के लॉजिस्टिक्स वाले जमाने में आपको भी पता है मुझे भी पता है कि सामान कैसे ट्रांसपोर्ट होता है, ऑनलाइन आने की वजह से लॉजिस्टिक्स पे कितना भार हो गया, लॉजिस्टिक्स का स्कोप कितना बढ़ गया। पहले लॉजिस्टिक्स थोड़ा डेड हो रहा था, स्पीड पोस्ट, डीटीडीसी एक दो थे जो अपना काम कर रहे थे, बाकी छोटे मोटे मार्केट से गायब हो रहे थे बिकॉज काम नहीं आ रहा था। बट आज के टाइम पे ई कॉमर्स के होने की वजह से काम सबके पास इतना आ गया है कि सब लोग बहुत ही हैवी चल रहे हैं, तो वो प्रोडक्ट्स को एक से दूसरे में ऐसे ट्रांसफर नहीं करते, वो फेंकते ही हैं और हमें नहीं पता है कि हमारा प्रोडक्ट कितने हैवी वेट सामान के नीचे दब गया हो। तो अगर पैकेजिंग खराब मिल जाए कस्टमर को तो उसका इंप्रेशन ही खराब हो जाता है।
कि यार ये किस कंडीशन में मेरे पास प्रोडक्ट आया, और अगर गलती से धूल डस्ट उसमें चला गया तो देखेंगे तो उनको लगेगा यार ये क्या बेकार बुक्स भेज दिए, बुक्स अगर मुड़ गई तो वो रिटर्न कर देंगे कि भाई मुड़ी हुई बुक्स मुझे मिली है, मैंने इसके लिए तो पैसे नहीं दिए थे। तो ये बहुत जरूरी है कि पैकेजिंग अच्छा रखे, अपना कस्टमर को सेटिस्फाई करे, बिकॉज कस्टमर को अगर पहला नजर में प्रोडक्ट अच्छा लगा वो जहनियत नहीं करेगा कि उसको रिटर्न कर दे। अब मैं आप पे पैकेजिंग पे बात किया सर, कुछ जाता है कुछ आता भी है, मतलब कि अगर ऑर्डर हो रहा है हम कुछ शिप कर रहे हैं तो उधर से कुछ रिटर्न्स भी आता है। रिटर्न्स पे आपका एक्सपीरियंस क्या है, क्या डैमेज बुक्स आता है, फटे हुए बुक्स आ जाते हैं, यूज्ड बुक्स हो जाता है, कोई दूसरा बुक भेज देता है, ये ऑल टुगेदर उसमें बुक ही नहीं होता है, आपका एक्सपीरियंस कैसा है रिटर्न पे? सर तो वो तो डेली के बेसिस पे ऐसे होते हैं कि कई बार डेली रॉन्ग एक मिलेंगे, डेली आपको ऐसे मिलेंगे तो दो चार डैमेज भी मिल जाएंगे सर, ऐसे मैनेज करना पड़ता है, इसमें सर बहुत इसमें तो सबसे ज्यादा लॉस होता है। अच्छा, तो जैसे कि इसमें आप फिर कैसे मैनेज करते हैं, सेफ्टी क्लेम फाइल करते हैं, एसपीएफ क्लेम फाइल करते हैं, उस पे थोड़ा सा बताइए कि उस पे पैसा कैसा मिलता है आपको, मतलब सैटिस्फाइड है कि उतना लॉस नहीं हो पाता कि नहीं उससे भी उतना? सर सेफ्टी क्लेम पे तो मिल जाता है सर, लेकिन ज्यादा सेफ्टी क्लेम भी हम लोग नहीं डाल सकते ना सर, ज्यादा डालेंगे तो फिर अमेज़न को लगता है कि जानबूझ के डाले जा रहा है। तो क्या ये रिटर्न सिर्फ आप अमेज़न के लिए बोल रहे हैं, तो फ्लिपकार्ट और मीशो पे सर क्या एक्सपीरियंस होगा? सर फ्लिपकार्ट मीशो पे मैं उतना नहीं करता, इसलिए फ्लिपकार्ट मीशो पे मैं क्लेम भी बहुत कम ही डालता, बिल्कुल ना करा। और अच्छा, तो अमेज़न पे ज्यादा कर रहे हैं तो इसी वजह से। एक बहुत सिंपल सवाल है सर, जैसे आपने बताया अमेज़न फ्लिपकार्ट मीशो, तो हमारे व्यूअर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप बार बार अमेज़न पे फोकस क्यों कर रहे हैं, ऐसा क्या है अमेज़न में जो इन दोनों पोर्टल में जो थोड़ा सा कमी है जिसकी वजह से अमेज़न हमेशा टॉप पे आ जाता है? सर मीशो पे बात है, मीशो पे सर पहले लोग मार्केट से लेकर बेचते हैं जो कि डी होते हैं, इसलिए प्राइस डाउन कर देते हैं। अमेजोन पे होता है क्या है, डी लोग प्रोडक्ट बहुत कम ही बेच पाते हैं, इसलिए प्राइस हाई रहता है। मान लीजिए हम पब्लिशर से लेकर बेचेंगे, अगर ज्यादा प्राइस में मिला मैं कम में कैसे बेच लूंगा, इसलिए मार्जिन खत्म हो जाते हैं, इस करके अमेजोन में बेचना सही लगता है। अच्छा, तो अब जैसे कि फ्लिपकार्ट और मीशो में बात करें, तो फ्लिपकार्ट और मीशो को पैनल को आपको समझने में और अमेजोन को पैनल को समझने में, कौन से पैनल को समझने में आपको ज्यादा आसानी हुई थी कि नहीं ये आसान सा पैनल है समझने सबसे ज्यादा आसानी सर अमेजन के ही है, लेकिन सर अमेजन के वो भी अकाउंट हेल्प सब मैंने करना है, सब काफी ज्यादा होता है कि भी सर। एक और रीजन है जो व्यूअर्स को बताना चाहूंगा कि अमेजोन के पास एक ट्रस्टेड एंड लॉयल कस्टमर बेस बहुत ज्यादा है, कि उनको कुछ भी जरूरत पड़ता है तो सबसे पहले अमेजोन ऐप ओपन करते हैं, और आजकल अमेजोन ऐप में अमेजोन पे भी फैसिलिटी स्टार्ट हो गया है तो वो भी लोग यूज करना स्टार्ट कर गए हैं, इस वजह से लोग अमेजोन का ऐप ज्यादा यूज करते हैं। अब जो भी चीज हम ज्यादा यूज करते हैं वो चीज शायद हम डेली पर्पस में यूज करते हैं, जैसे बहुत सिंपल सी बात है, जैसे कि किसी भी के पास कह सकते हैं कि 10 तरीके का उसके पास जूते हो, लेकिन अगर वो एक ही जूता बार बार पहन रहा है किसी भी रीजन से, तो बार 9 जूते उतना नहीं पहनता जितना वो एक जूता पहनता है। तो रीजन इसलिए क्योंकि वो डेली उसको यूज कर रहा है, तो उसको कंफर्ट स्पेस एक बन जाता है। तो अमेजोन एक ऑलरेडी ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म है, एक बायर के लिए भी एक सेलर के लिए भी, जहां पे बायर के साथ भी गलत नहीं करता है और सेलर के साथ भी गलत नहीं करता है, वो दोनों को एक अच्छा प्लेटफॉर्म देता है जहां वो चीजों को बैलेंस कर सके। जैसे कि आप बुक्स में आप स्टार्ट किए, क्या आपका कुछ प्लान भी है कि आप वेबसाइट भी अपना बनाना चाहेंगे और वेबसाइट भी देखना चाहेंगे? सर अपना वेबसाइट भी है सर, वेबसाइट भी जो अभी वेबसाइट पे काम चल रहा है, वर्क हो रहा है सर, वेबसाइट बहुत जल्दी आने वाला है। अच्छा, क्या सोच के आपने वेबसाइट बनाया सर? बहुत अच्छी न्यूज है कि आपने वेबसाइट पे। सर वेबसाइट पे ऐसे बुक तो कम ही मैं सेल करूंगा सर, बुक के अलावा अदर कैटेगरी के लिए मैं वेबसाइट बना रहा हूँ खुद का सर, उस अदर कैटेगरी में सेल करेंगे उस। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा आपने सर सोच लिया, बिकॉज अगर आपको बिजनेस आपको दिख रहा है अच्छा ग्रोथ हो रहा है, तो वेबसाइट को भी लाके आप एक अपना खुद का एक कर सकते हैं, जहां पे आपको वेबसाइट से भी धीरे धीरे करके तुरंत नहीं आएगा बट डेफिनेटली मेहनत इस तरह से होगा तो वेबसाइट पे आपके पास भी ऑर्डर्स आना शुरू हो जाएंगे, तो वेबसाइट पे डेफिनेटली आप अपना प्रोडक्ट सस्ता ही बेचेंगे, क्योंकि बस लॉजिस्टिक्स का इश्यू रहेगा, बाकी कमीशन तो आपके का है तो कुछ लगना है नहीं। राइट, एक आपसे सवाल की बिग फैक्शन से आप कैसे जुड़े सर, क्या प्रॉब्लम था आपको जो हमने उस चीज के लिए आपको सॉल्व करके दिया सर? सर एक्चुअली बुक में ना अकाउंट डीएक्टिवेट बहुत जल्दी होता है, बहुत ज्यादा होता है सर, इस पे अकाउंट में बहुत प्रॉब्लम होता रहता है। जैसे मेरा अकाउंट एक डीएक्टिवेट हो गया जो अभी जस्ट एक्टिवेट हुआ है, उसको सर मैंने गया अमेजन पे, अमेजन एसपीएन सर्विस में, वहां से मुझे मिला, ऐसे एक फ्रेंड भी पहले करवाया रखा था यहाँ से काम, इसलिए मैं उनसे भी ले लिया, इधर दोनों तरफ से मिल गया, इसलिए मुझे ट्रस्ट हो गया कि हाँ ये सही में काम करते, इसलिए मैंने इसलिए। अच्छा बिल्कुल, थैंक यू सो मच। और एक आखिरी सवाल, ज्यादा समय आपका नहीं लूंगा, आप फ्यूचर में अपना फ्यूचर ऑनलाइन में देखिए, उसी पे आपने
इन्वेस्ट भी स्टार्ट करना शुरू किया बहुत कम एज से, जैसा आप बताए, फ्यूचर में आप ऑनलाइन इंडस्ट्री को कैसे मानते हैं सर, कि ये फ्यूचर कैसा हो सकता है? सर इसका फ्यूचर तो काफी ज्यादा है सर, क्योंकि सर आजकल पता है आपको ऑनलाइन के जमाने हो गए, सब कुछ जो भी होता है छोटा सा भी एक प्रोडक्ट चाहिए होता है तो बस फोन लेके बैठ जाते हैं ऑनलाइन ऑर्डर कर लेते हैं। इस करके सर ऑनलाइन कैटेगरी में आना चाहता तो लोग चाह रहे हैं आजकल, ताकि सेल बढ़े ज्यादा से ज्यादा। आपका प्लान तो ये भी है सर कि फ्यूचर में सिर्फ बुक्स पे ही नहीं और आगे और भी कैटेगरी को एक्सप्लोर? नहीं सर, बहुत जल्द सर दूसरा प्रोडक्ट आने वाला है, अभी जस्ट अभी 1 मंथ के अंदर अंदर में दूसरे प्रोडक्ट पे मैं वर्क करने वाला हूँ। बहुत बहुत मुबारक हो आपके उसके लिए सर कि एक दूसरा कैटेगरी भी आप स्टार्ट कर रहे हैं। बहुत मजा आता है देखते हुए सर कि जो सेलर्स अपना जर्नी बताते हैं, जिनको वो अपना दिखा रहे हैं कि हम अगला स्टेप पे जाने वाले हैं, हम एक लेवल ऊपर जाने वाले हैं जो हम कर रहे हैं, उससे बहुत खुशी मिलती है। बिकॉज हमारा काम ही है कि हम सेलर से जुड़े उनको जितना अच्छा प्रमोट कर सकें। सो थैंक यू सर, आप अपना समय दिए और बिग फैक्शन से जुड़े सर, सो थैंक यू सो मच उसके लिए। हम यही डेफिनेटली चाहते हैं कि फ्यूचर में हम डेफिनेटली और आगे इस तरह के बातें करें, ताकि आने वाले सेलर्स के लिए भी आसानी हो और बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से उनको भी थोड़ा सा क्लैरिटी और मिले। बट आज के लिए इतना ही सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको आज का वीडियो जरूर पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो सर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, और साथ ही साथ दोस्तों आप ये वीडियो अपने जितने भी फ्रेंड्स और सेलर्स को शेयर कर सकते हैं जरूर शेयर करें, ताकि उनके लिए भी एक मनोबल बढ़ सके ऑनलाइन बिजनेस में आने के लिए। अगर आपको सिर्फ Amazon या Flipkart या और भी किसी पोर्टल से रिलेटेड क्वेरीज हो तो डेफिनेटली हमें कमेंट बॉक्स में मेंशन करें, हम उस पोर्टल्स के भी सेलर्स से जरूर कोशिश करें कि हम इंटरव्यू करें और आपके पास लेकर आएँ। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो जरूर पसंद आया होगा, और अगर आपने हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि बिग फैक्शन का आने वाला हर वीडियो आपके पास सबसे पहले आए। बिग फैक्शन से बने रहने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।